जिथे बंदा थोड़ा जा लेफ्ट राइट करदा ना उथे गड्डी दा चंगा लारा खांदी है भाई। हुण एक राउंड बाउंड क्रॉस कीता ते चंगा लारा खादा इहदी गड्डी ने, मैनूं बड़ा डर लग रहा लोड नूं। दो गाड़ियां इसको खींच रही हैं लेकिन फिर भी जो है इधर रामको से लोड करने आया हूँ, इधर तो उन्होंने पूरी डांगरी पे ना दी है, ये सारी मेरी खराब हुई है, जिप भी बंद नहीं होती। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तकरीबन रियाज से 200 किलोमीटर जो है ना बाहर निकल के मैंने ये डीजल भरवाया था, टैंकी फुल करवाई थी, यानी इधर से 200 निकाले यानी 2061 किलोमीटर चलाई है, देखते हैं डीजल कितने का आता है इसमें। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फिट फाट वेलकम है जी आप सब का। बिस्मिल्लाह, साढ़े सात हो गए सुबह के, अभी रात को एक बजे सोया था। इधर गाँव आता है अलवज, उधर से निकल के इधर से भी तकरीबन यम्बो जो है ना तकरीबन 300 किलोमीटर के अराउंड है, 300 सवा 300 अभी उधर जाना है। साढ़े सात हो चले ने यार, 12-1 बजे जाना यम्बो, लोड कोई नहीं मिलया, इंशाल्लाह उधर पहुंचने तक जो है ना मिल जाएगा कोई ना कोई लोड। बिस्मिल्लाह, दोस्तों उस साइड पे मैं गाड़ी खड़ी करके ना इधर नाश्ता करने के लिए आया था, एक पेट्रोल पंप बना हुआ है, ये होटल है, इधर नाश्ता किया और वो सामने गाड़ी खड़ी है हमारी उस साइड पे, और तकरीबन 9:15 हो गए हैं अभी। उमला जब इधर से 50-60 किलोमीटर दूर है, उससे आगे तकरीबन 170 किलोमीटर यम्बो है, तकरीबन 12 बजे तक पहुंचूंगा उधर, लेकिन अभी तक कोई लोड नहीं कंफर्म हुआ, लोड नहीं अभी तक मिला, मुमकिन है इंशाल्लाह उधर पहुँचने तक मिल जाएगा कोई ना कोई लोड, अल्लाह खैर करेगा। यार इस बंदे का लोड देखें कितना हाइट वाला है, इस तरह का लोड करके भाई बड़ी एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ती है, कोई भी मोड़ अपने थोड़ी सी स्पीड से ले लिया तो गाड़ी जो है ना वो उलट जाती है, या इधर अक्सर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तूफान चलते हैं रेत के, तो इस तरह की गाड़ी को तो अच्छी भली हवा लगती है, फिर बड़ा रिस्की यार लोड है ये। इसका किराया भी खैर मेरी होना है, ठीक ठाक लोड जो है ना इसका किराया होगा, लोड इतना डेंजरस है और इतना हाइट वाला देखें तो सही, अल्लाह खैर खैरियत से ले जाए इसको भाई को। दोस्तों ये चेक करें जी नज़ारा, बिल्कुल समंदर के पास से गुजर रहे हैं, ये उमलज सिटी है, ये मेन रोड है उमलज सिटी का और ये बिल्कुल साथ समंदर है, माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारा है। इधर के रहने वाले लोग जो है ना इधर ये होटल बना हुआ है और ये देखें उसने बाहर कुर्सियाँ लगाई हुई हैं जनाब व्यू एंजॉय करने के लिए, और दूसरी तरफ तीन नन होंगे समंदर वाली साइड पे भी, जिथे बंदा थोड़ा जा लेफ्ट राइट करता है ना उ गड्डी का चंगा लारा खाती है भाई।
उन्हें एक राउंड बाउंड क्रॉस किया तो चंगा ला रखा था गड्डी ने, मैंने तो बड़ा डर लग रहा है लोड तो। गाड़ियाँ मेरे ख्याल से इसको आगे खींच रही हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ी इसने चढ़ाई है, थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी, लेकिन फिर भी देखें यार अल्लाह अकबर लोड चेक करें, दो गाड़ियाँ इसको खींच रही हैं, लेकिन फिर भी जो है ना 5 की स्पीड से मेरे ख्याल से चल रही है, पता नहीं कितने टन वजन होगा, आइडिया नहीं है मुझे। दोस्तों अभी 12 हो गए हैं और मैं पहुंच चुका हूं यम्बो में, लोड मेरा कंफर्म हो गया था तकरीबन, उमलज में पहुंचा था अभी, तभी लोड कंफर्म हो गया था रियाज का, तो अभी उधर पहुंच रहा हूं लोडिंग के लिए। वज़न यार आज काफ़ी दिनों बाद बहुत ज़्यादा मिल गया, तकरीबन 24-25 टन तक वज़न आना है जो लोड करना है। वज़न जो जब वज़न ज़्यादा लोड करना होता है यार बिल्कुल भी ना मज़ा नहीं आता लोड करने का, बहुत मुश्किल में रहती है गाड़ी भी और ड्राइवर भी। बहरहाल अभी यम्बो से तकरीबन इस तरह का ही होता है लोड, ज़्यादातर जो है ना वज़न ज़्यादा वाली मिलता है, कभी कभी हल्का भी मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर वज़न जो है ना ज़्यादा ही मिलता है यम्बो से, 23 टन 24 टन 25 टन, अभी भी जो है ना वो 24 से 25 टन तक वज़न आएगा। अभी 12 हो गए हैं, पहुँच रहा हूँ मैं इंशाल्लाह तकरीबन आधे घंटे की लोकेशन रह गई है, उधर पहुँच के फिर लोड करता हूँ। आज मैंने लोड करना है रामको के अंदर से, उधर मेरे ख्याल से मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है वीडियो वगैरह बनाने की, फिर लोड करके तो निकल के जो है ना आप वीडियो बनाऊंगा मज़ीद आगे वाली। यार जिधर शूज़ वाली सेफ्टी पहनी हो ना बस, मुझे उधर से बड़ी एलर्जी है, और इधर रामको से लोड करने आया हूँ, इधर तो उन्होंने पूरी डांगरी पहना दी है, ये सारी मेरी ख़राब हुई है, जिप भी बंद नहीं होती, और हेलमेट भी जो है ना बहुत गंदा हुआ पड़ा था, इसलिए इसके अंदर तो मैंने टिशू रख दिए हैं, कभी इस्तेमाल ही ना किए, साल में एक आध बार हमें इस तरह का लोड करना पड़ता है जिधर से डांगरी वगैरह इस्तेमाल करनी हो फुल सेफ्टी, नहीं तो कभी इस तरह का लोड किया ही नहीं है, छोड़ देते हैं। लेकिन अभी इधर यम्बो से करना पड़ गया, डांगरी भी पहननी पड़ी है, हेलमेट भी, शूज़ भी, आवाज़ारी है नीडी, तो ये मेरी चीज़ें इसलिए खस्ता हाल है कि हमने कभी इस तरह का लोड किया ही नहीं है जो जहाँ पे इधर ये डांगरी या फुल सेफ्टी इस्तेमाल करनी पड़े, हम वो लोड छोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभार जो है ना ऐसा हो जाता है कि लोड कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि आरामको में या जो शिरका कार्ब है इलेक्ट्रिसिटी हाउस जो प्लांट होते हैं इनके इलेक्ट्रिसिटी के, उधर उतारना पड़ता है, तो फिर उधर ये सेफ्टी सारी इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो कभी कभी मजबूरी में फिर बंदा फंस जाए ना तो तब इस्तेमाल करनी पड़ती है, तब इसलिए रखा हुआ था। लेकिन अभी जो है ना चेंज करता हूँ, सारा नया लेता हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादातर इसी साइड पर आना करना है, यम्बो से लोड करना है, तो यम्बो में जो है ना अक्सर लोड आरामको से होते हैं, तो अभी ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इसलिए मैं फिर इसको जो है ना रियाज जा के ख़रीदता हूँ, हेलमेट भी नया लेता हूँ और डांगरी भी। ये लोड कर रहे हैं दोस्तों। अभी शाम के 4:30 हो गए हैं
और लोड करके मैं निकल रहा हूँ अभी। तकरीबन आज पूरा 25 टन वजन है, बड़े आराम आराम से जाना पड़ेगा आज इंशाल्लाह। जो है ना मदीना पाक क्रॉस करके सोऊंगा जब तक भी हुआ तो, उसके बाद 200 किलोमीटर इधर मदीना पाक है इधर से, उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट कल का सफ़र स्टार्ट करेंगे मदीना पाक से आगे से। माशाल्लाह दोस्तों ये चेक करें बदर का मौसम, शाम का वक्त है बदर में। अभी मैं बदर सिटी से निकल रहा हूँ, मगरब के बाद का टाइम है और ये सूरज गुरूब हो गया है। चेक करें किस तरह का खूबसूरत नजारा बना हुआ है। अभी निकल रहा हूँ मदीना पाक की तरफ, तकरीबन इधर से 160 किलोमीटर लोकेशन है मदीना पाक की, तो अभी 6:30 का टाइम हो गया। इंशाल्लाह मदीना पाक पहुँच के तो डीजल भी डलवाना है और उसके बाद मदीना पाक क्रॉस करके इंशाल्लाह फिर कहीं पे सोएंगे। मदीना पाक क्रॉस करते ही तकरीबन जो है ना 10-11 का टाइम हो जाना है, क्योंकि इस टाइम रश भी बहुत है। जितनी गाड़ी एम्बो से लोड हुई है वो अभी निकल रही है सारी, तो वजन भी 25 टन है, टाइम काफ़ी लग जाएगा जी। दोस्तों अभी मैं इधर मदीना पाक से निकल के एक पेट्रोल पंप आया हूँ डीजल भरवाने के लिए, तो डीजल जो है ना हमारा तकरीबन एंड पे गया हुआ है। मैंने रियाज से तकरीबन 200 किलोमीटर बाहर निकल के टैंकी फुल करवाई थी, अभी देखते हैं कितने का आता है। मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 700 के अराउंड आ जाएगा, 700 के करीब आएगा। और टोटल मैंने रियाज से लेके ना वापस मदीना पाक आने तक 2261 किलोमीटर गाड़ी चला रही है, तो तकरीबन रियाज से 200 किलोमीटर जो है ना बाहर निकल के मैंने डीजल भरवाया था, टैंकी फुल करवाई थी, यानी इधर से 200 निकाले यानी 2061 किलोमीटर चलाई है। देखते हैं डीजल कितने का आता है इसमें। यार इतना भरना के बाहर ना गिरे हाँ, टंकी पे गिरता फिर मिट्टी पड़ जाती है ऊपर तो सारा गंदा हो जाता है। कितना हो गया? कितना? 695। ये लो हाँ जी दोस्तों 695 रियाल का आया है और जो लीटर है वो 604 है, 604 लीटर डीजल आया 695 रियाल का, तकरीबन 2061 किलोमीटर का। ये गाड़ी निकालने लगा, इधर ही लगा लें यार, नमाज पढ़नी है, ये निकाल रहे इधर ही लगाते हैं। निकाल निकाल भाई निकाल, चल आ जा आ जा आ जा, जा। दोनों निकाल रहे हैं। प्लाजा तू निकल, अच्छे भाई एंड तक हो आ गई है लेकिन आगे उसका मुंह नहीं निकला अभी तक, बाहर कैसे निकालेगी गाड़ी।
जो है ना पीछे वाला वो सौड़ा पड़ा हुआ है कि गाड़ी निकालो तो मैंने आ गया ना। सबर कर यार मैं गाड़ी ला लूंगा इतने एक मिनट। सऊदी अरब में भाई तकरीबन 99% मस्जिदों में जो है ना ये पानी के कार्टन वगैरह पड़े होते हैं। ये कार्टन भी पड़े हुए हैं और साथ में ये इधर फ्रिज भी पड़ी हुई है, जिसने ठंडा पीना ठंडा ले रहा है, जिसने गर्म पीना है इधर क्योंकि ठंड है। ये भाई सऊदी अरब में तकरीबन हर छोटी बड़ी मस्जिद में आपको पानी के कार्टन पड़े हुए मिलेंगे। दोस्तों भी रात के 10 हो गए हैं और मदीना पाक से आ गए। ये पेट्रोल पंप से जो है ना डीजल भरवाया, नमाज वगैरह पड़ी है, अभी इधर से निकल रहा हूँ। तकरीबन जो है ना एक दो घंटा चलाऊंगा और गाड़ी 11 बजे तक या 12 बजे तक, उसके बाद सो। जी दोस्तों अभी इधर पार्किंग में आ गया हूँ मैं, मदीना पाक से तकरीबन 50-60 किलोमीटर बाहर निकला हूँ, तो अभी इधर सोते हैं इंशाल्लाह। 11 का टाइम हो गया, सुबह इंशाल्लाह उठ के तो अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। काफ़ी बड़ी पार्किंग है, काफ़ी सारे ट्रेलर ऑलरेडी खड़े हैं और अभी आ रहे हैं कुछ, सुबह तक ये फुल हो जानी है। इधर हम खड़ी करके तो सोते हैं इंशाल्लाह, सुबह जाना फिर निकलेंगे।